फ्रेंड्स, तो है आज हम कोरियल रो में, और मैं कोरियल रो में आज आपको बताने वाली हूँ सोनी मैक्स का लोगो कैसे बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पेज ले लिया है जो कि मेरे लैंडस्केप में है, और यहाँ पे मैं बनाना शुरू करती हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप करे आप लोग एंड तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले लिया है, और इसका मैं एक छोटा रेक्टेंगल करके ऊपर डुप्लीकेट ले लेती हूँ। एक मैंने डुप्लीकेट ले लिया है, इसी को ये कंट्रोल सी से मैं कॉपी कर लेती हूँ एक। तो मैंने यहाँ पर इसकी डुप्लीकेट कर ली है, कंट्रोल डी जो हमारे शॉर्टकट की होती है, और इसको मैंने यहाँ पर नीचे सेट कर दिया है। ठीक है, तो मैं ऊपर वाले में दे देती हूँ ब्लैक कलर। ऊपर वाला जो रेक्टेंगल है इसमें दे देती हूँ ब्लैक कलर, फिल कर देती हूँ इसमें ब्लैक कलर। ऊपर वाले में मैंने ब्लैक कलर फिल कर दिया, नीचे वाले में मैं ब्लैक कलर फिल कर देती हूँ। ब्लैक कलर फिल करने के बाद मैं जो ये जो बड़ा वाला जो रेक्टेंगल जो सबसे पहले लिया था हमने, इसकी स्ट्रोक साइज में बढ़ा देती हूँ। स्ट्रोक साइज में यहाँ से इसकी बढ़ा देती हूँ, थोड़ी सी और बढ़ा देती हूँ। तो ये मैंने इसकी स्ट्रोक साइज बढ़ा ली है। मैं यहाँ पर अब टेक्स्ट लेती हूँ। टेक्स्ट लेकर मैं यहाँ पर सिंपल सा टेक्स्ट लेती हूँ एरियल, और यहाँ पर लिखती हूँ एस कैपिटल लेटर में। कंट्रोल ए से मैंने इसको सिलेक्ट किया, और इसको मैं इसका साइज बढ़ा देती हूँ और बढ़ा देती हूँ। ठीक है, तो मैं इसको बोल्ड कर देती हूँ और इसका कलर कर देती हूँ। मैं जो सोनी मैक्स का कलर होता है, सोनी का जो एस जो होता है उसका जो कलर होता है, मैं वो कलर फिल कर देती हूँ इसमें। तो इसको मैं सिलेक्ट करके, इसको एस को सिलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओल्ट से। ठीक है, तो मैंने इसको बड़ा कर लिया है। मैं देख लेती हूँ कि मुझे इसमें सेट करना है तो मुझे कितना चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेती हूँ। नीचे से थोड़ा सा और बड़ा कर लेती हूँ उसे। ठीक है, तो मैं अब इस एस को पावर क्लिप करूंगी। मैंने जो सबसे पहले रेक्टेंगल लिया था उसके अंदर क्लिप करूंगी। तो मैं इस पे माउस से राइट क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पर इसके ऑप्शन खुल जाते हैं पावर क्लिप के। अगर आपको यहाँ से ना मिले तो यहाँ पर अरेंज में जाके पुराने वर्जन में आपको अरेंज में मिलेगा, नए वर्जन में आपको इफेक्ट्स में मिल जाएगा। इफेक्ट्स में आप नीचे आएंगे तो आपको ये सेकेंड लास्ट लास्ट फिफ्थ नंबर पे ये आपको पावर क्लिप का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर पावर क्लिप मैं करती हूँ रेक्टेंगल के अंदर। तो ये कुछ इस तरह हो गया। तो मैं इसको एडिट करती हूँ अब, एडिट पावर क्लिप। तो ये हमारे पास आ गया, तो मैं इसे एडिट कर लेती हूँ। कन्वर्ट टू कर्व कर लिया है मैंने इसको। अगर आप कन्वर्ट टू कर्व नहीं करेंगे तो ये आप इसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए पहले इसको थोड़ी सी भी एडिट करने से पहले इसको कन्वर्ट टू कर्व कर लें आप। तो मैंने इसे कन्वर्ट टू कर्व कर लिया है, और अब मैं इसको शेप टूल से इसको थोड़ा सा एडिट कर लेती हूँ। तो मेरे को जितना पार्ट चाहिए था मैंने उतना इसको एडिट कर लिया है। तो मैं अब फिनिश कर देती हूँ इसको, फिनिश एडिटिंग लेवल। तो ये मैंने इसको फिनिश कर दिया है, तो कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो इसमें मुझे थोड़ा सा यहाँ पर रेड कलर का वो चाहिए, एक छोटा सा रेक्टेंगल चाहिए। तो मैं यहाँ से रेक्टेंगल ले लेती हूँ छोटा सा, और यहाँ पर मैं छोटा सा एक रेक्टेंगल बना देती हूँ। इसमें मैं फिल कर देती हूँ रेड कलर जो कि होता है इसमें। मैं इसको नीचे सेट कर लेती हूँ।
आप चाहो तो इसे ही पावर क्लिप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया है। थोड़ा सा इसको और नीचे कर देती हूँ मैं। तो ये हो गया है। अब यहाँ पर मुझे फिर से टेक्स्ट लेना है, यहाँ पर सोनी लिखना है और नीचे मैक्स लिखना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ और सोनी लिख देती हूँ यहाँ पर कैपिटल लेटर में, सोनी, SONY, सोनी, जो मेरा स्मॉल लेटर में हो गया है। मैं इसे वापस कैप्स लॉक करके सोनी लिखती हूँ, SONY। तो मैं इसे कंट्रोल से सिलेक्ट करती हूँ और इसको मैं देती हूँ पहले तो वाइट कलर दे देती हूँ, और इसको कर देती हूँ बोल्ड, और इसका साइज देती हूँ मैं बढ़ा। इसका साइज मैंने बढ़ा दिया है, तो मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ, 100 कर दिया मैंने इसको। तो मैं इसका फॉन्ट चेंज कर देती हूँ, एरियल है अभी बट मैं इसको थोड़ा सा फॉन्ट चेंज करती हूँ। हाँ, तो मैंने इतना ही है, ऐसे ही होता है सोनी का फॉन्ट। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ शिफ्ट से, बस अब मैं इसे सेट कर लेती हूँ अपने अकॉर्डिंग जहाँ भी मुझे चाहिए। ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा सा इस साइड कर लेती हूँ। हो गया सोनी, हो गया। अब हमें मैक्स लिखना है, तो मैं यहाँ पर फिर से टेक्स्ट लेती हूँ। टेक्स्ट लेके मैं यहाँ पर कैपिटल लेटर में ही मैक्स लिख देती हूँ, MAX, मैक्स। तो मैं कंट्रोल ए से इसको भी सिलेक्ट कर लेती हूँ और इसको भी मैं दे देती हूँ, इसको दे देती हूँ मैं येलो कलर, जो कि मैंने एस को दिया था वही वाला येलो कलर मैं दे देती हूँ इसे। ओके, तो मैं इसको भी बोल्ड कर देती हूँ और इसका फॉन्ट भी मैं चेंज करती हूँ। फॉन्ट मैंने चेंज कर दिया है इसका, इसका साइज मैं थोड़ा सा बड़ा करती हूँ। अब ये सिलेक्ट नहीं था, इसका सिलेक्शन हट गया है, तो मैं इसे एक बार फिर से इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ और अब इसका फॉन्ट मैं चेंज कर देती हूँ। ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा सा नीचे करती हूँ और अब मैं इसको शिफ्ट प्लस ऑल्ट से मैं इसको बढ़ा देती हूँ थोड़ा सा। सोनी मैक्स जो कुछ इस तरह का हो गया, दिखाई देगा, दिखाई दे रहा होगा आपको। मैं इसको सेट कर लेती हूँ, थोड़ा सा इसको शिफ्ट प्लस ऑल्ट से बड़ा कर लेती हूँ। मैं इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा लेती हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट देन स्ट्रेच। हो गया है, तो मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ अपने अकॉर्डिंग जिस जहाँ मुझे चाहिए। तो ये हमारा सोनी मैक्स का लोगो रेडी है। मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देती हूँ। तो
तो ये हो गया है सेट। मैं इसको पूरे को एक बार सिलेक्ट करती हूँ। ये व्हाइट कलर का क्या है? कंट्रोल सेट। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैं एक बार इसको पिक टूल से पूरा सेलेक्ट करके और इसे मैं ग्रुप कर देती हूँ। कंट्रोल जी, मैंने ग्रुप कर दिया और सोनी मैक्स का लोगो रेडी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लोगो के साथ। अगर आपको कोई लोगो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।